आज रमजान की तीसरी सैरी है और यहाँ पे मौजूद हूँ 11 नंबर के मेन चौक पे, जहाँ पे लोटर बिरयानी की बड़ी भरमार है, क्योंकि 11 नंबर वैसे भी बिरयानी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत किस्म की यहाँ पे बिरयानी मिलती है। तो आज हम लोग उस जगह पर आए जहाँ पे सबसे पहले लोटर बिरयानी स्टार्ट की थी। तो आपको यहाँ पे कितना है, तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनकी बिरयानी को टेस्ट करते हैं। जिस तरह का रश लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि बिरयानी काफी टेस्टी होने वाली है, तो इनकी बिरयानी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है जिसकी वजह से रश लगा हुआ है। हमारे पास बीफ है, बुलत्ती है, कोरमा है, छोला है, चिकन है। कितनी मशहूर है, हम खड़े होकर खा रहे हैं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, हम क्या करें। देखिए भाई भी हमारे खड़े हुए सब। अच्छा, रमजानों के अंदर ना यहाँ पर एकदम से बूस्ट आ जाता है, लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए आते हैं और रश आपको बता रहा होगा कि रमजान के अंदर यहाँ पे कितना, और ये आपको पूरी रात चलता है, मतलब यहाँ पे अच्छा फुल पैकेज के साथ उन्होंने हमें प्लेट रेडी करके दे दी है और फुल बॉडियों से लोडेड की प्लेट उन्होंने बना के दी है। बिरयानी की डेकोरेशन और चावल सही लग रहा है और इसे आप टेस्ट करेंगे और चेक करूँगा कि इस रश की वजह क्या है। बिरयानी कटे तो अच्छा है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग खाना, ये बिरयानी इनकी हमारे पास आ चुकी है, तो लेट्स सी के अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट बेहतर है, इन लोगों की बिरयानी बेहतर है। हम कासमाबाद से आते हैं, यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर से यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिरयानी में इनके यार वाकई टेस्ट है और ये जो रश इतना लगा हुआ है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं कितना रश यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस रश की कुछ ना कुछ तो वजह है। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो टेस्ट है, ये इसकी इस रश की वजह मुझे लग रही है, बेहतरीन टेस्ट है यार। रेट तो मुख्तलिफ हैं, बीफ के 100, चिकन के 100, छोले के 60, कोरमा 200, गुलत्ती 150। बहुत ज़्यादा जल्दी खाली हो रही है और एक के बाद एक कंटिन्यू आया जा रही है, और जैसे कि आप रश देख रहे हैं काफ़ी, तो ये भी एक इसी रश की वजह से देख बहुत ज़्यादा जल्दी खाली हो रही है। अच्छा, चावल कलू को सारी चीज़ें तकरीबन सेम है, बस बिरयानी छोले की है, और टेस्ट में बिरयानी अच्छी है। पकौना बस आ रहा है और जा रहा है, हमने सिर्फ यहाँ पे बातें कर रहे थे, ब्लॉग शूट कर रहे थे, एक पकौना खत्म हो गया, दूसरा आ ही गया, तो इतना रश यहाँ पर है और इतनी जल्दी पकौने खाली हो रहे हैं। तो आप एक दफ़ा आएँ, यहाँ पे फैमिली का भी सेटअप है, उसके अलावा इनका बैठने का सेटअप भी बहुत अच्छा है और भी चीज़ें इनके पास हैं, गुलक्की वगैरह भी है, सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कम बजट में छोले की बिरयानी भी है, और अगर आप चाहें तो बीफ की नहीं खाना चाहते तो छोले की भी आप खा सकते हैं। 60 रुपये पाव आपको छोले की बिरयानी मिलेगी और 100 रुपये पाव आपको बीफ की बिरयानी मिलेगी। रेट के हिसाब से अगर आप देखें तो सही है, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। और टेस्ट के अंदर आप छोले की बिरयानी टेस्ट करते हैं कैसी है। छोला भी टेस्टी है और चावल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसका। तो दोनों बिरयानी में अगर हम लोग चावल का कंपैरिजन करें तो मुझे तकरीबन सेम लग रहे हैं दोनों चीज़ें, बस सिर्फ फ़र्क इतना लग रहा है कि ये बिरयानी छोले की है और वो बिरयानी बीफ की है। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, टेस्ट की बात करूँ, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत मशहूर है यहाँ पर हैदराबाद के अंदर। तो चलते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आप कैसे लगे आपने कॉमेंट करके बताना है, और बिरयानी सीरीज़ चल रही है, तो ये बिरयानी सीरीज़ का एक और पार्ट है।